हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। और आज का वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें मैं आप लोगों को सेल ऑर्गेनली के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और आज की हम सेल ऑर्गेनली को लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्लास्टिड। ओके, चलिए देखते हैं। तो जो प्लास्टिड है बेटा, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हालांकि क्लास 9th से पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा जाना होगा, जब आपने चैप्टर सेल पढ़ा होगा। हो सकता है आपने 7th में पढ़ा हो या फिर 8th में पढ़ा हो, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बट आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि तब आपका इतना डीप नहीं आया होगा, बस थोड़ा सा आप लोगों ने रीडिंग करते वक्त निकल गया होगा, ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चा लोग, देखिए प्लास्टिड क्या है। सुनने में प्लास्टिक साउंड होता है, बट एक्चुअली प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनली है जो कि सेल के अंदर रहती है। लेकिन इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट सेल में ही प्रेजेंट हो सकती है, कभी भी एनिमल के सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। ओके बेटा, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये प्लास्टिड जो है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपका एक एनिमल सेल है। ओके बेटा, एनिमल सेल और एनिमल सेल की प्रॉपर्टी होती है लगभग कैसा होता है बेटा, ये स्फेरिकल होता है जनरली एनिमल सेल। ओके बेटा, तो इसका क्या होगा, ये एक सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, तो प्लास्टिड इसमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। एनिमल सेल में कभी भी प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल में ही प्रेजेंट होती है। और मान लीजिए ये आपका क्या है, एक प्लांट का सेल है। मैंने शायद आपको शुरू में भी बताया था कि प्लांट का सेल कभी भी सर्कुलर पूरी तरीके से नहीं होता। ओके, और इसमें एक खास बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, बीच में बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। और जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं इन द केस ऑफ प्लांट, वो सारी की सारी ये साइड वाइज प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो। ओके, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अगर होता भी है तो जिसको हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, चाहे वो राइबोसोम हो, ओके, चाहे वो कोई और सेल ऑर्गेनली हो। ओके, कोई भी सेल ऑर्गेनली हो, वो सब साइड वाइज होती हैं, और साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। और वैक्यूल क्या होता है बेटा, एक वैक्यूल एक खाली जगह होती है जिसमें जनरली के वाटर होता है या फिर एयर प्रेजेंट होती है। ओके, एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत कम प्रेजेंट होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। कभी भी एक वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंस होता है। और जब मैं आपको वैक्यूल पढ़ाऊंगा तभी सारी की सारी चीज़ें, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ आपको फोकस किस पर करना है, अभी जो मेन पढ़ रहे हैं प्लास्टिड के बारे में, इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको लिखना चालू करता हूँ। देखिए बेटा कि ये जो प्लास्टिड है ये एक्चुअली है क्या, मैंने अभी जस्ट बताया कि इट इज अ सेल ऑर्गेनली विच इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ओके, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ओके, एनिमल सेल में ये एब्सेंट ही होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, देखिए पी एल ए यहाँ पर है प्लास्टिड का, ये पी एल ए, और प्लांट में भी क्या है, पी एल ए। इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना, प्लांट में भी पी एल ए आता है और इसमें भी आता है, तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि हाँ ये प्लांट में है, तो इसे ये याद करने का एक छोटा सा तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। प्लास्टिड बेटा जो होती है ये एक्चुअली क्या होता है, ये कलर को इंडिकेट करती है। जो भी प्लांट्स में कलर होते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप के कलर्स देखते हैं, हम लोग फूल जो होता है उसका पत्तियों में कलर अलग अलग देखते हैं, चाहे वो येलो हो, रेड हो, पिंक हो, वाइट हो, वॉट एवर जैसा भी हो, हम लोग जनरली पत्तियां देखते हैं, वो देखते हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो उनमें भी कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ रोल होता है। और कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है, यानी कलरलेस होता है। तो जैसे भी कलर हो, चाहे वो कलरलेस कलर हो, मतलब अल्टीमेटली जैसा भी है कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, या फिर ग्रीन हो या फिर अदर देन द ग्रीन कलर, वॉट एवर, तो प्लास्टिड इस चीज़ में रोल प्ले करता है। और जो ग्रीन कलर है उसमें एक खास तरीके की नई चीज़ हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी, वो हम लोग यहाँ पर अभी देख लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, मैंने आपको लिखकर बताया कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती। ये तो उसका पहला एक मेन पॉइंट हो गया। आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट बेटा लिखिए, दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
पिगमेंट्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, कि जो प्लास्टर्स होते हैं वो एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं. तो हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप की होती है बेटा. समझने की कोशिश कीजिए, पहला जो टाइप होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, ओके. दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ओके, क्रोमोप्लास्ट. और थर्ड जो होगा दैट विल बी क्लोरोप्लास्ट. इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा होगा. क्लोरोफिल के फॉर्म में पढ़ा होगा बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्लोरोफिल है क्या. देखिए बेटा, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये जो प्लास्टर्ड होती है ये कैसी होती है, ये कलरलेस होती है. तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ कलरलेस प्लास्टर्ड. ये है क्या बेटा, कलरलेस, यानी कि जो भी कलरलेस वर्क होता है, यानी कि जहाँ भी कोई कलर की नीड नहीं होती, यानी किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं होता, किसी भी टाइप का, यानी कलरलेस, तो वहां पर कौन आता है, ल्यूकोप्लास्ट आता है बेटा. तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, दूसरा वाला देखेंगे हम. क्रोमोप्लास्ट क्या है कि ग्रीन के अलावा जितना भी जो कलर होता है, रेड, ब्राउन, येलो, व्हाइट, वॉट एवर, जैसा भी कलर होगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है. ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये किस लिए होता है, कलर्ड प्लास्टिड. यानी कि डिफरेंट टाइप के जो भी कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन के अलावा जितने भी होते हैं, तो वो सारे के सारे ऐसे में आते हैं. यानी कि कलर्ड प्लास्टिड अदर देन ग्रीन्स, अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं. ठीक है बच्चों, अब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और किसी भी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता. तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, ओके. तो आई होप आप लोगों की तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा कलरलेस प्लास्टर्ड है, एक क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टर्ड या फिर अदर देन द ग्रीन कलर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे किस्में आते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट के जरिए आते हैं. ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कैसा है कि ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर्स, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और किसी के लिए नहीं होता. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. अब हम लोग जो बात करेंगे मेनली क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ग्रीन कलर जो है एक स्पेशल रोल प्ले करता है और किस तरीके से यार फंक्शनिंग करता है, इन सब के बारे में जान लो. अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको किचन ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है. अब किचन क्या है, किचन ऑफ द सेल्स क्यों कहा गया है, इसको थोड़ा डीप समझने की कोशिश कीजिए. इसको आप नोट कीजिए और मैं इसको रफ करता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और मैं आपको समझाता हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इसका रोल क्या होता है, वो सब समझने की कोशिश कीजिए. चलिए, देखिए बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है उसको पहले मैं आपको फिगर के रूप में समझाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ. ठीक है, तो थोड़ा फिगर के रूप में समझिए, ये कैसा होता है बेटा, ये स्फेरिकल होता है और लगभग जिस तरीके से आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था लगभग उसी शेप का हम लोग कह सकते हैं, लगभग ये भी शू की तरह होता है, जूते की तरह होता है. ये भी कैसा होता है, एक डबल मेम्ब्रेन होता है, इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो भी डबल वॉल्ड होती है. ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये भी स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, ओके बेटा. लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं. ओके, और ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है बेटा. ठीक है, ये आपस में भी जुड़े हुए होते हैं. और ये जो लेयर होती है बेटा,
जो लेयर कैसी होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं इजीली। बात समझ में आई? तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इनको बेटा किस नाम से जानते हैं वो देखिए, इनको बेटा जानते हैं हम ग्रेना के नाम से। ग्रेना, सारे के सारे बोल दिए ग्रेना के नाम से। अगर हम इनको सिंगुलर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ये क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, आप अपनी बुक पर देखेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर मिलेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए सिर्फ। आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको कुछ अलग दिख रहा है, आप जब बुक पर देखेंगे आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे जो कुछ ना कुछ हाफ हैं, कहीं फुल हैं, कहीं वन फोर्थ हैं, इस तरीके से देखेंगे। इनको हम भी किस नाम से जानते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या होता है बेटा ये? थाइलाकॉइड्स। ओके, अब ये ग्रेनम क्या है, ग्रेना क्या है, थाइलाकॉइड्स क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। ओके, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, इनके पॉइंट्स के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, और ये मैंने एक क्लोरोप्लास्ट का आपके लिए डायग्राम बनाकर तैयार किया। क्लोरोप्लास्ट मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक कलर फुल प्लास्टर्ड होती है, लेकिन इससे रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट ये जो मैंने बनाकर तैयार किया है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके बच्चा लोग, कि क्लोरोप्लास्ट बेटा जो ये है, ये अपने अंदर एक पिगमेंट रखता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। जब आपने प्रोसेस सुनी होगी एक फोटोसिंथेसिस के, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, यानी कि एक फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, H2O का यूज़ होता है, और अल्टीमेटली सनलाइट को यूज़ किया जाता है, क्लोरोफिल भी होता है, और अल्टीमेटली बनकर क्या तैयार हो जाता है? C6H12O6 बोले तो ग्लूकोज। यही होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, वाटर लिया गया सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट जो लिया जाता है क्लोरोफिल की वजह से लिया जाता है। कि क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट होता है वो क्या करता है, इसके अंदर एक टेंडेंसी होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ले लेता है, यानी कि सनलाइट जो ली जाती है, सनलाइट को जो खींचा जाता है, जो एब्जॉर्ब किया जाता है, वो बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल किया जाता है। ओके, इसलिए क्लोरोफिल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इतना आपको पता था, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा अब तक कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं जो कि मैंने अभी आपको लिखकर बताया, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए होता है? सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। ओके, सनलाइट को जब ट्रैप करता है तब अल्टीमेटली जो प्रोसेस हो पाती है फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद ये क्या खाना बनकर तैयार हो पाता है प्लांट्स का। और हम सब लोगों का खाना कहाँ पर बनता है बेटा? हमारे घर पर बनता है, हमारी किचन के अंदर बनता है। और इनकी भी ये चीज़ क्या बोल दी जाती है? किचन ऑफ द सेल्स, क्योंकि यहीं पर इनका खाना बनकर तैयार होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को अल्टीमेटली क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। उसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट इसके अंदर होता है, तो अभी इसको और थोड़ा एलाबरेट करके लिखते हैं। एंड क्लोरोफिल यूज्ड फॉर ट्रैपिंग दी सनलाइट फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसीलिए हैंस also known as kitchen of the cells, बोले तो कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो हम कह सकते हैं hence क्लोरोप्लास्ट is also known as kitchen of the cell. What?
किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाई इज प्लास्टिड, बोले तो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में और जान लीजिए बेटा। जो मैंने आपको बताया था, ये जो पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है, जो ये आप देख पा रहे हैं, इसको किस नाम से बोला जाएगा, ये जो लेयर है इसको स्ट्रोमा के नाम से बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा बोलते हैं, जो भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और ये लेयर आगे तक इस तरीके से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कवर करके रखता है, इस तरीके से ये आगे आ जाती है और ये पूरा का पूरा कवर होता है, यानी कि ये भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ओके, थायरॉइड आप देख पा रहे हैं, ये जो सिंगल सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज थायरॉइड्स। ओके, आप ये देख पाएंगे जो ग्रुप में अटैच है, पूरे का पूरे जो ग्रुप बना हुआ है, इसको हम ग्रेना के नाम से जानेंगे, या फिर सिंगुलर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रेनम के नाम से बोलेंगे। और जहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो ब्रिज स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि आपस में जो अटैच करने का काम किया है, इस ब्रिज को किस नाम से जानेंगे? इसको हम जानेंगे स्ट्रोमा लेमेला के नाम से जानेंगे। स्ट्रोमा तो लेयर हो गई, और लेमेला, स्ट्रोमा लेमेला, ये इसको क्या करता है? ये अटैच करने का काम कर रहा है। इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारा का सारा ये सब क्लियर हो चुका होगा, ये है क्या, आपको समझ में आया होगा प्लास्टिड का रोल क्या है। सारे के सारे आपको नोट्स मिल चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपको सबसे पहले मिल जाए और आप लोग उसको अच्छे से समझ सकूँ, पढ़ सकूँ। और फटाफट से हम लोग जल्दी से नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।